नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में। ठीक है, और अभी हम लोग झारखंड जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, तो रात को 8 बजे वाली इस क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और इस क्लास में हम लोग झारखंड जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। झारखंड जीके के वो सभी क्वेश्चंस जो कि जेपीएससी और जेएसएससी जैसे संस्थाओं के द्वारा पिछले कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया है और आगे भी कई सारे एग्जाम्स में आप लोगों को देखने को मिल सकता है। ठीक है, और जो लोग जेएसएससी सीजीएल की तैयारी करते हैं उनको मैं बता दूं, सुबह 9 बजे क्या होती है, हिंदी पेपर 2 का क्लास होता है। क्योंकि आज हिंदी पेपर 2 का क्लास होना था लेकिन तबीयत खराब होने के कारण आज की क्लास नहीं हो पाई है, कल आपको हिंदी पेपर 2 का क्लास देखने को मिल जाएगा। तो सुबह 9 बजे हिंदी पेपर 2 का क्लास होता है, अगर आप लोग चाहें तो उस क्लास में आ सकते हैं। ठीक है, और इस क्लास में हम लोग झारखंड जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लास शुरू करने से पहले सभी लोग 1 से लेकर 25 तक एक बार नंबरिंग कर देंगे, और जो भी लोग नए हैं उनको तो पता नहीं होगा कि सर क्या करना है। सबसे पहले कुछ इस प्रकार से 1 से लेकर 25 तक नंबरिंग कर दें। ठीक है, सभी लोग इसका नंबरिंग कर दें। उसके बाद जब हम लोग उन 25 क्वेश्चंस के बारे में एक एक करके देखेंगे तो उस क्वेश्चन का सही आंसर आपको कमेंट करके बताना है। अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर कमेंट करते हैं तो उसके साइड पे आपको सही का निशान लगाना है। अगर आप गलत कमेंट करते हैं या फिर आपका आंसर अगर गलत होता है तो आप वहां पे गलत का निशान लगाएंगे। लास्ट में जब हम लोग 25 क्वेश्चंस को देख चुके होंगे तो उस समय आपको कमेंट करके बताना है कि 25 में से कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए, यानी आपको कितने क्वेश्चंस के सही आंसर पहले से मालूम थे। इससे आप अपना लेवल भी देख सकते हैं कि एग्जाम के लिए आप कितने तैयार हैं और एग्जाम के लिए आपका लेवल जो है वो क्या है। ठीक है, क्लियर है। चलिए तो देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, झारखंड की राजधानी से निम्न में से कौन सी रेखा जो है वो गुजरती है। झारखंड की राजधानी से, आप सभी को झारखंड की राजधानी के बारे में तो पता होगा, झारखंड की कैपिटल क्या है ये पता होगा। ठीक है, झारखंड की कैपिटल की अगर हम लोग बात करें, रांची इज द कैपिटल ऑफ झारखंड, यानी मोटे मोटे तौर पर पूछा गया है कि रांची से कौन सी रेखा जो है वो गुजरती है। लेकिन सीधे सीधे ये नहीं पूछा गया है, पूछा गया है झारखंड की राजधानी से। तो सही आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे, एकदम बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा कर्क रेखा। ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कर्क रेखा। अगर हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें, कर्क रेखा की बात करें, कर्क रेखा जो है वो झारखंड के बीचों बीच से होकर गुजरती है और झारखंड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, नॉर्थ और साउथ में। आप सभी को पता होगा, कहीं ना कहीं आप इंडियन जीके में भी पढ़े होंगे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो भारत से भी गुजरता है और भारत के भी बीचों बीच से होकर गुजरता है। भारत को भी नॉर्थ और साउथ दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो ये आप देख पा रहे हैं भारत का मैप, और भारत के बीचों बीच से होके कर्क रेखा जो है वो गुजर रही है। कर्क रेखा कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है जिनमें से एक राज्य हमारा झारखंड भी है। सबसे पहले हम लोग इन 8 राज्यों के बारे में बात करेंगे क्योंकि ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि कर्क रेखा जो है वो कितने राज्यों से गुजरती है, या फिर एग्जाम में निम्न में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है, इस तरीके से भी एग्जाम में पूछा जाता है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये है वो 8 राज्य। इन 8 राज्यों में से अगर आप मैप देखेंगे तो आपको यहाँ पे हमारा झारखंड देखेगा, और आप देख पा रहे हैं इस मैप से कि झारखंड के बीचों बीच से होकर भी कर्क रेखा गुजरती है। आइए झारखंड के मैप पे हम लोग जूम करते हैं। तो यह है झारखंड का मैप, और झारखंड के मैप से कुछ इस प्रकार से कर्क रेखा जो है वो गुजर रही है। ठीक है, अगर हम लोग झारखंड की बात करें तो हम लोग जिस प्रकार से भारत में देखे थे कि 8 राज्य थे, उसी प्रकार झारखंड में 6 जिले हैं। और ये 6 जिले कौन कौन हैं? ये है वो 6 जिले। कौन कौन? लातेहार, लोहरदगा, गुमला,
रांची, रामगढ़ और बोकारो, ये वो झारखंड के 6 जिले हैं जहां से होके कर्क रेखा जो है वो गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो गुजरती है। अब क्वेश्चन में आपको ये पूछा गया था कि रांची से कौन सी रेखा गुजरती है, या फिर रांची से कौन सी रेखा गुजरती है, या फिर कर्क रेखा जो है वो कहां से गुजरती है। तो रांची से, अगर ऑप्शन की अगर बात करें तो ऑप्शन सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कर्क रेखा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि झारखंड के गवर्नर को किनके द्वारा अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, एक चीज तो बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ रही है कि जो गवर्नर होते हैं, गवर्नर के लिए इलेक्शन नहीं होता है, गवर्नर का अपॉइंटमेंट होता है, गवर्नर की नियुक्ति होती है। और अब पॉइंट ये बनता है कि जब गवर्नर की नियुक्ति होती है तो गवर्नर को किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, गवर्नर को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगर हम लोग झारखंड के गवर्नर की बात करें तो अभी वर्तमान समय में झारखंड के गवर्नर है संतोष गंगवार। अगर आप अभी देख रहे हैं इस क्लास को तो अभी ये झारखंड के गवर्नर संतोष गंगवार, लेकिन अगर आप बाद में देखेंगे तो हो सकता है कि उस टाइम पे झारखंड के गवर्नर बदल चुके होंगे। अभी झारखंड के गवर्नर है संतोष गंगवार जी। तो सीपी राधा कृष्णन झारखंड के गवर्नर थे, सीपी राधा कृष्णन को हटाकर संतोष गंगवार को झारखंड का गवर्नर बनाया गया। तो सवाल ये आता है कि संतोष गंगवार को झारखंड का गवर्नर बनाया किसने, झारखंड का गवर्नर उसे किसने नियुक्त किया। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट के द्वारा। भारत में जितने भी गवर्नर की बात करें, या फिर भारत में हम लोग जितने भी किसकी बात करें, लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात करें, ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात करें, या फिर हम लोग गवर्नर की बात करें, उसका अपॉइंटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, चाहे हम लोग उपराज्यपाल की बात करें या फिर राज्यपाल की बात करें, तो एकदम प्यारा सा आंसर होगा प्रेसिडेंट। और अभी प्रेसिडेंट कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, चलिए आगे बात करें। चलिए एक और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, झारखंड का जो शेप है वो कैसा है, झारखंड का जो आकार है वो कैसा है, बताएंगे झारखंड का आकार कैसा है, वर्गाकार है, वृत्ताकार है, चतुर्भुजाकार है, या फिर पंचभुजाकार है, क्या होगा सही आंसर। अगर हम लोग झारखंड की शेप की बात करें तो झारखंड की जो शेप है, झारखंड की जो आकृति है वो चतुर्भुजाकार है। अच्छा, यहां पे कई लोग बोलेंगे सर वर्ग भी तो ऑप्शन में है लेकिन वर्गाकार नहीं हुआ। सर इस तरीके से अगर झारखंड की शेप है तो सर इस तरीके से वर्ग भी होता है, इस तरीके से वृत्त भी होता है। तो सर झारखंड का जो शेप है यह है झारखंड का शेप। सर इसे हम लोग वृत्ताकार क्यों नहीं कह रहे हैं, इसे हम लोग वर्गाकार क्यों नहीं कह रहे हैं, इसे हम लोग चतुर्भुजाकार क्यों कह रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट, चतुर्भुजा का मतलब क्या होता है, जिसकी चार भुजाएं हैं। चतुर्भुजाकार का मतलब क्या है, चार भुजाएं। सर चार भुजाएं तो वृत्त की भी होती है, सर चार भुजाएं तो वर्ग की भी होती है, लेकिन हम लोग वर्ग और वृत्त क्यों नहीं कह रहे हैं, पॉइंट आता है। और कई लोगों के मन में ये पॉइंट आता होगा कि सर इस आकृति को अगर हम लोग चतुर्भुजाकार कह रहे हैं क्यों, क्योंकि झारखंड की जो आकृति है कुछ इस प्रकार से है। हाँ जी, आप बोलेंगे हाँ सर, तो सर इसे हम लोग वृत्ताकार या फिर वर्गाकार क्यों नहीं कह रहे हैं। देखिए अगर हम लोग बात करें किसकी, अगर हम लोग बात करें वृत्त की बोल रहे हैं, वर्ग की, तो वर्ग की जो चारों भुजाएं होती है वो समान होती है, वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है। आप सभी ने पढ़ा होगा मैथ, अगर आप लोग मैथ पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा स्क्वायर जो होता है, स्क्वायर के चारों जो भुजाएं होती है वो समान होती है। ठीक है, अगर हम लोग रेक्टेंगल की बात करें, हम लोग बात करें आयत की, सर आयत भी तो हम लोग कह सकते हैं, आयत की दो भुजाएं जो है वो समान होती है, आयत की दो भुजाएं समान होती है। वृत्त की अगर बात करें, सॉरी वर्ग की अगर बात करें, वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है, आयत की दो भुजाएं समान होती है, लेकिन चतुर्भुज की कोई भी भुजा समान नहीं होती है। चतुर्भुज की अगर हम लोग बात करें तो ये भी चतुर्भुज है ना। तो चतुर्भुज हम लोग किसे कहेंगे, जिसका कोई भी भुजा समान ना हो उसे हम लोग चतुर्भुज कह सकते हैं, जिसकी चार भुजाएं हैं। तो झारखंड चतुर्भुजाकार है, ठीक है,
झारखंड की जो चारों भुजाएं हैं वो समान नहीं है, कहीं से ज्यादा उभरी हुई है, कहीं पे घुसी हुई है, कहीं निकला हुआ है। तो इस तरीके से अगर हम लोग ओवरऑल झारखंड का शेप की बात करें तो झारखंड का शेप कैसा है, झारखंड का शेप है चतुर्भुजा का, ठीक है, ना ही रेक्टेंगल है ना ही स्क्वायर है, ठीक है। चलिए आगे बात करें, चलिए आगे बात करते हैं। झारखंड का जो क्षेत्रफल है, झारखंड का जो एरिया है वो अविभाजित बिहार का कितना परसेंट है। अविभाजित बिहार का मतलब है कि जब बिहार और झारखंड एक ही था तो उस समय एक बिहार का एरिया था जिसमें झारखंड भी शामिल था। जो बिहार और झारखंड को मिलकर जो एरिया था उस एरिया से झारखंड का एरिया जो है वो कितना परसेंट है, चलिए समझते हैं। ये आप देख रहे हैं बिहार और ये है पूरा बिहार झारखंड के अलग होने के पहले। ये पूरा बिहार है झारखंड के अलग होने से पहले, आप बोलेंगे हाँ सर इतना तो समझ गए। ये पूरा बिहार अगर 100% है, ठीक है, ये पूरा बिहार अगर 100% है जिसमें बिहार और हमारा झारखंड मिला हुआ है, तो इसके 45.80% को मिलाकर या फिर अलग करके 100% में से 45.80% को अलग करके झारखंड की स्थापना की गई। यानी अगर हम लोग मोटे मोटे तौर पर बात करें 100% में से झारखंड और 100% में से बिहार, तो झारखंड जो है वो 46% एरिया पे है, बिहार जो है वो 54% एरिया पे फैला हुआ है, ठीक है। पहले का जो बिहार था अविभाजित बिहार यानी झारखंड के अलग होने से पहले, उसमें से 46% लैंड को अलग करके झारखंड की स्थापना की गई और 54% लैंड पे आज भी बिहार है, ठीक है। तो यहां पे 46 है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन में 46 नहीं है। 46 हमारा कैसे आया, हम लोगों ने ओवरऑल माना, क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद अगर 50 से ज्यादा हो तो हम लोग 46 मान लेते हैं उसे, लेकिन 46 नहीं है तो यहां पे आंसर होगा 45%, ठीक है। 45.80 था, 46 नहीं है ऑप्शन में, 45 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लियर। किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत, किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में झारखंड का कौन सा कॉलेज है वो ईस्टर्न इंडिया का बेस्ट इमर्जिंग कॉलेज बना है। अच्छा, बेस्ट इमर्जिंग कॉलेज का मतलब क्या है, उभरता हुआ कॉलेज। इमर्जिंग का मतलब क्या है, उभरता हुआ, कहते हैं ना उभरता हुआ सितारा, ठीक है। तो सबसे अच्छा उभरता हुआ कॉलेज कौन बना है, पूर्वी भारत का, पूर्वी भारत यानी ईस्टर्न इंडिया। आपको पिछले क्लास में भी बताया गया था ईस्टर्न इंडिया में 4 राज्य आते हैं, झारखंड, बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। ये 4 राज्य हैं जो कि ईस्टर्न इंडिया में आते हैं, यानी इन चारों राज्य का सबसे अच्छा उभरता हुआ कॉलेज जो सबसे ज्यादा डेवलप कर रहा है, डेवलपिंग है, डेवलप्ड नहीं है, डेवलपिंग है, वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा IHM रांची, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट जो कि रांची में है, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, क्लियर। अच्छा, ये कौन सा क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है और एग्जाम में भी आप लोगों को करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सुबह 5 बजे करंट अफेयर्स का क्लास होता है, जो लोग नहीं अटेंड करते हैं बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, ठीक है। IHM रांची, तो ये आप IHM रांची देख पा रहे हैं एक तरफ, और एक तरफ आप देख पा रहे हैं ईस्टर्न इंडिया। ईस्टर्न इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो आप देख पा रहे हैं ईस्टर्न इंडिया में कितने राज्य हैं, 4 राज्य हैं, ठीक है, कौन कौन, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा। क्या झारखंड ईस्टर्न इंडिया का पार्ट है, हाँ जी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन है झारखंड का सबसे गर्म स्थान जो है वो कौन सा है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि झारखंड का सबसे गर्म स्थान कौन सा है, या फिर क्वेश्चन को अगर हम लोग घुमाएं थोड़ा सा तो किस स्थान पे झारखंड में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है,
इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस स्थान पे झारखंड में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, जमशेदपुर। अगर हम लोग बात करें जमशेदपुर की, तो जमशेदपुर को हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जमशेदपुर झारखंड का सबसे गर्म स्थान है, या फिर झारखंड का सबसे गर्म क्षेत्र है, या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जमशेदपुर में सबसे ज्यादा गर्मी जो है वो पड़ती है। पूरे झारखंड में सबसे ज्यादा गर्मी जमशेदपुर में पड़ती है। जमशेदपुर जिसे झारखंड की फाइनेंस कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है, आप लोग सभी लोग जानते होंगे झारखंड की फाइनेंस कैपिटल जमशेदपुर। झारखंड की इंडस्ट्रियल कैपिटल की बात करें, अगर औद्योगिक राजधानी की बात करें, वो भी जमशेदपुर को ही कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। झारखंड में मानसून जो है वो कब लौटता है? अब लौटता है कहने का क्या मतलब है, देखिए हम लोग बात करेंगे झारखंड में मानसून की, तो आप सभी को पता होगा साउथ वेस्ट मानसून जो है वो झारखंड में एंटर करता है, और झारखंड में ज्यादातर जो वर्षा है वो साउथ वेस्ट मानसून से ही होती है। साउथ वेस्ट मानसून जो है वो अरब सागर से उठती है, और अरब सागर से ये मध्य प्रदेश होते हुए, उड़ीसा होते हुए झारखंड में एंटर करती है, और झारखंड से आगे चली जाती है बिहार में। ये झारखंड में तो रुकी हुई है नहीं कि चलो भाई झारखंड में ही वर्षा करते हैं, ऐसा तो है नहीं कि 3 महीने झारखंड में पूरा वर्षा हुआ। ये ऐसे आती है और आगे चलती जाती है, अरब सागर से निकलती है, मध्य प्रदेश होके, महाराष्ट्र होके ये आती है, उड़ीसा होके झारखंड, झारखंड से भी ये चली जाती है कहाँ, तो बिहार तरफ। बिहार के बाद आप देखेंगे हिमालय पर्वत है, बिहार नेपाल, नेपाल से ये टकराती है, बिहार से होते हुए नेपाल चली जाती है, नेपाल में हिमालय पर्वत से टकराती है, हिमालय पर्वत से टकराने के बाद ये रिटर्न आती है, तो झारखंड में फिर वापस कब आती है? मान लेते हैं कि आपका घर जो है वो धनबाद में है, आप बोलेंगे हाँ सर, और आप एग्जाम देने के लिए रांची जा रहे हैं, ठीक है सर, बीच में बोकारो पड़ता है, आप बोलेंगे हाँ सर, तो आप धनबाद से जब जा रहे हैं तो बोकारो होते हुए रांची चले गए, ठीक है, जब आप आएंगे तो आएंगे भी तो बोकारो होके ही ना, आप बोलेंगे हाँ सर। तो इसी प्रकार से रिटर्न कब आता है, तो झारखंड में अक्टूबर के मिड में, अक्टूबर के मिड में जो मॉनसून का रिटर्निंग है वो हमें देखने को मिलता है, ठीक है। आप बोलेंगे सर ये तो हम समझ गए कि अक्टूबर के मिड में झारखंड में मॉनसून रिटर्न करता है, तो सर आता कब है, एंटर कब करता है झारखंड में? मिड ऑफ जून में। कब? मिड ऑफ जून में, ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आइए, राजरप्पा जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राजरप्पा वाटरफॉल, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, कई बार एग्जाम में यह भी पूछा गया है कि राजरप्पा जलप्रपात जो है वो किस मंदिर के किनारे स्थित है? आप सभी को पता होगा राजरप्पा मंदिर, उसे छिन्नी मस्त के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, तो राजरप्पा जलप्रपात राजरप्पा मंदिर के किनारे स्थित है, ठीक है, किस नदी पर है? तो देखिए मेनली अगर हम लोग राजरप्पा जलप्रपात की बात करें, तो राजरप्पा जलप्रपात मेनली जो है वो भैरवी नदी पर है, मेनली भैरवी नदी पर है, लेकिन ये जलप्रपात जो है वो भैरवी नदी को दामोदर नदी से मिलाती है, इसीलिए इन दोनों नदियों के नाम से इसे जाना जाता है। आप बोलेंगे सर कैसे? देखिए ये जो पानी आप ऊपर से नीचे गिरता हुआ देख पा रहे हैं, ये जो पानी आप ऊपर से नीचे गिरता हुआ देख पा रहे हैं, तो ये ऊपर से जो पानी गिर रहा है वो है भैरवी नदी, और नीचे में जो पानी आप देख पा रहे हैं वो है दामोदर नदी। भैरवी नदी दामोदर नदी से राजरप्पा जलप्रपात में ही मिलती है, ठीक है, राजरप्पा जलप्रपात में ही भैरवी नदी जो है वो दामोदर नदी में मिलती है, इसीलिए हम लोग राजरप्पा जलप्रपात को इन दोनों नदियों के रूप में जानते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों नदियां इसी जलप्रपात में मिलती है, ठीक है, तो भैरवी नदी मिल रही है दामोदर नदी के साथ में, क्लियर। तो भैरवी और दामोदर दोनों नदियों के संगम स्थल पर एक जलप्रपात है जिसका नाम है राजरप्पा जलप्रपात। हो सकता है कि एग्जाम में आप लोगों से क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के और पूछ लें क्या कि भैरवी और दामोदर नदी के संगम स्थल पर कौन सा जलप्रपात है, तो क्या होगा सही आंसर? रजरप्पा जलप्रपात, ठीक है। चलिए अच्छा,
थोड़ा यहाँ पे ब्रेक लेते हैं। और कितने लोग रजरप्पा जलप्रपात गए हैं, देखे हैं, या फिर रजरप्पा मंदिर को घूमे हैं, एक बार आप लोग सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। चलिए आप लोगों के कमेंट देखते हैं, कितने लोग जो है वो रजरप्पा जलप्रपात को सामने से देखे हैं या फिर यहाँ पे घूमने गए हैं। ठीक है, आपके सर जा चुके हैं इसीलिए इतनी डिटेल में आपके सर आपको बता पा रहे हैं। ठीक है, चलिए, झारखंड के किस मुख्यमंत्री के द्वारा अपने कार्यकाल को पूर्ण रूप से पूरा किया गया है? देखिए, जब से झारखंड की स्थापना हुई है, झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुआ है, तो जब से झारखंड की स्थापना हुई है, झारखंड में एक ही ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जो कि अपने कार्यकाल को पूरा किए हैं, और उनको छोड़कर झारखंड में ऐसा कोई भी मुख्यमंत्री नहीं है जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया हो। इनफैक्ट हेमंत सोरेन ने भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया है। क्यों? क्योंकि बीच में उन्हें जेल जाना पड़ा, और उनके जेल जाने के बाद चंपाई सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री बने। चूंकि अभी चंपाई सोरेन भी जेएमएम से अलग हो रहे हैं, आप लोगों को अपडेट है कि नहीं बता दूं, ठीक है, करंट अफेयर का पार्ट है। तो चंपाई सोरेन जब जेएमएम से अलग हो रहे हैं, अब देखते हैं चंपाई सोरेन जेएमएम से अलग होकर क्या करते हैं, चूंकि ये राजनीतिक मामला है। ठीक है, जो जहां जाना चाहता है, जिस पार्टी के साथ जाना चाहता है, वो जा सकता है, लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, ठीक है, कि चंपाई सोरेन झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री जो है वो जेएमएम से अलग हो रहे हैं। ठीक है, क्या होगा सही आंसर? रघुवर दास, ऑप्शन सी। रघुवर दास जो है वो झारखंड के ऐसे पहले मुख्यमंत्री है जिन्होंने अपने 5 साल का जो कार्यकाल है वो पूरा किया है। इनको छोड़कर, चाहे हम लोग शिबू सोरेन की बात करें, अर्जुन मुंडा की बात करें, बाबूलाल मरांडी की बात करें, ठीक है, हेमंत सोरेन की बात करें, चंपाई सोरेन की बात करें, जितने भी मुख्यमंत्री बने हैं अब तक, उनको छोड़कर कोई भी 5 साल के कार्यकाल को पूरा नहीं किया है। मधु कोड़ा भी झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक है, चलिए चलिए, करंट अफेयर्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिल सकता है। झारखंड के किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को जीआई टैग दिया जाएगा? बताएंगे सही आंसर क्या होगा। झारखंड के किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को जीआई टैग दिया जाएगा? अगर हम लोग बात करें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की, क्या होगा इसका सही आंसर? बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन है, सही आंसर होगा इसका मांदर। क्या होगा सही आंसर? मांदर, ऑप्शन ए। मांदर की अगर बात करें, कुछ इस प्रकार का होता है मांदर। आप में से कई लोगों को मांदर के बारे में पता होगा, और जिन्हें मांदर के बारे में नहीं पता होगा वो लोग बोलेंगे सर ये ढोल है, लेकिन ये ढोल नहीं है, अलग अलग चीजें होती है। ढोल अलग होता है, तबला अलग होता है, मांदर अलग होता है, ठीक है, लेकिन जिन्हें नहीं पता है वो तो ढोल ही बोलेंगे। जब मैं बचपन में था ना, बचपन में जब मैं मतलब बचपन क्या छोटा था, जब मैं छोटा था तो टीवी में सीरियल देखता था, तो वहां पे कई लोग तबला बजाते थे, तबला टर, तो मैं क्या कहता था कि ये लोग ढोल को उल्टा करके बजा रहे हैं, क्योंकि चूंकि छोटा था तो केवल ढोल के बारे में ही पता था, तबला मांदर ये सब क्या होता है पता नहीं था। ठीक है, तो अलग अलग चीजें होती हैं, ढोल होता है, तबला होता है, मांदर होता है। तो ये एक झारखंड का पारंपरिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है मांदर, और इसे जो है वो जीआई टैग दिया जाएगा। ये आप लोग याद रखें, आने वाले टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। झारखंड के कितने जिलों में चाय की खेती को शुरू किया गया है? चाय की खेती झारखंड में भी शुरू की गई है, और झारखंड कृषि विभाग के द्वारा चाय की खेती जो है वो शुरू की गई है। ठीक है, चाय की खेती अब तक हम लोग पश्चिम बंगाल में जानते थे कि दार्जिलिंग में चाय की खेती होती है, असम में चाय की खेती होती है, लेकिन झारखंड में भी चाय की खेती को शुरू किया गया है, और ये किया गया है झारखंड कृषि विभाग के द्वारा। टेस्टिंग के तौर पर झारखंड कृषि विभाग के द्वारा चाय की खेती झारखंड में शुरू की गई। एक्चुअली हुआ क्या, सिनेरियो थोड़ा समझते हैं। झारखंड कृषि विभाग के द्वारा पूरे झारखंड का सर्वे किया गया, पूरे झारखंड के मिट्टी की जांच की गई। जब झारखंड कृषि विभाग के द्वारा पूरे झारखंड के मिट्टी की जांच की गई, तो ये पता चला कि हाँ, हमारे झारखंड में भी जो चाय की खेती है वो पॉसिबल है, लेकिन कहाँ पे पॉसिबल है? केवल 2 जिलों में, या फिर कह सकते हैं केवल 2 शहरों में, झारखंड के 2 शहरों में या फिर 2 क्षेत्रों में चाय की खेती भी जो है वो पॉसिबल नजर आई झारखंड कृषि विभाग के द्वारा। अब ये कहाँ कहाँ है सर? गुमला में और हजारीबाग में।
तो झारखंड कृषि विभाग ने कहा क्यों ना टेस्टिंग करें। तो टेस्टिंग के तौर पर झारखंड के गुमला और हजारीबाग जिले में चाय की खेती को किया गया है। अब देखते हैं ये कितना सक्सेस होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, झारखंड के दो जिलों में, ठीक है, चाय की खेती। अच्छा, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? भारत। भारत जो है वो पूरे विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, लेकिन हम लोग जितनी चाय का उत्पादन करते हैं उतना पी भी जाते हैं। भारत में उत्पादित 90% चाय जो है वो भारत के लोग पी जाते हैं, ठीक है, इसीलिए हम लोग एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, झारखंड का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला, गर्म बोल रहे हैं, यानी झारखंड का सबसे लोवेस्ट एरिया वाला कौन सा जिला है बताएंगे, सबसे कम क्षेत्रफल। अच्छा, पिछले क्लास की अगर हम लोग बात करें तो पिछले क्लास में कहीं ना कहीं आप लोगों को यह बताया गया था कि झारखंड का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला जिला है पश्चिमी सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम। वेस्ट सिंहभूम इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द झारखंड, किसमें? तो एरिया वाइज में, ठीक है, एरिया वाइज में सबसे लोएस्ट डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछा जा रहा है, या फिर कह सकते हैं लोएस्ट का, स्मॉलेस्ट कहेंगे हम लोग, लोएस्ट नहीं, झारखंड का स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड एरिया वाइज। बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? रामगढ़। क्या होगा? रामगढ़, ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए, यह है रामगढ़, आप लोग देख सकते हैं, और यह जो है झारखंड का सबसे छोटा जिला है, क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग, घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र यानी घाटशिला इंडस्ट्रियल एरिया किस लिए फेमस है? निम्न में से किस लिए घाटशिला इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो फेमस है? एल्यूमिनियम, कॉपर, सीमेंट या फिर आयरन? क्या होगा सही आंसर, एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ऑप्शन ए, बी, सी या डी, क्या होगा इसका सही आंसर। अगर हम लोग बात करें घाटशिला इंडस्ट्रियल एरिया की, तो बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम, ठीक है। घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र जो है वो एल्युमिनियम के लिए, गलत है, ऑप्शन ए कैसे दे दिया है, ऑप्शन बी होगा, कॉपर के लिए फेमस है, कॉपर के लिए, किसके लिए? कॉपर के लिए फेमस है, ठीक है, ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी होगा सही आंसर, कॉपर, ठीक है, तांबे के लिए। घाटशिला इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो तांबे के लिए फेमस है, ऑप्शन ए नहीं, बी होगा सही आंसर, सभी लोग ऑप्शन बी बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए, अयोध्या में जो राम मंदिर बना है, उस राम मंदिर में जो भी कॉपर का उपयोग किया गया है, कॉपर का इस्तेमाल किया गया है, वो कॉपर जो है वो घाटशिला से ही एक्सपोर्ट किया गया है, घाटशिला का ही कॉपर है जो कि राम मंदिर में यूज किया गया है, ठीक है। तो कॉपर के लिए फेमस है घाटशिला इंडस्ट्रियल एरिया, आप लोग याद रखें, ठीक है, ये आप कॉपर माइन भी देख पा रहे हैं, याद रखें। अच्छा, घाटशिला कहां पे है? पूर्वी सिंहभूम जिले में है, ठीक है, याद रखना चाहिए आप लोगों को, अगर आप मैप अच्छे से देख पा रहे हैं, ये है घाटशिला। चलिए थोड़ा सा जूम करके आप लोगों को दिखाते हैं, देख पा रहे हैं, ये है घाटशिला, मैप देख पा रहे हैं अच्छे से सभी लोग, घाटशिला देख पा रहे हैं, पूर्वी सिंहभूम जिले में है घाटशिला, ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन सा झारखंड में फसल का मौसम नहीं है? बहुत ही आसान क्वेश्चन, आज के क्लास का अब तक का सबसे आसान क्वेश्चन यही है कि झारखंड में फसल का मौसम कौन सा नहीं है। देखिए, अगर हम लोग फसल की बात करें तो आप सभी को पता होगा फसल जो है वो तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है रबी फसल, एक होता है खरीफ फसल, एक होता है जायद फसल। तीन फसल होते हैं, रबी फसल, खरीफ फसल, जायद। ये गर्म कौन सा फसल है? ये तो मौसम है, गर्मी ठंडी, ये गर्म कौन सा फसल है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, गर्म जो है वो फसल का कोई मौसम ही नहीं है,
गर्म कोई फसल का मौसम है क्या? तीन प्रकार के फसल होते हैं, खरीफ फसल, रबी फसल, जायद, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में रांची नगर निगम के द्वारा किस ऐप को लॉन्च किया गया है? बहुत ही आसान क्वेश्चन, रांची म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा कौन सा ऐप जो है वो लॉन्च किया गया है, ठीक है। जो भी इसका सही आंसर देंगे, ठीक है, मेरे जो भी प्यारे साथी हैं जो लोग करंट अफेयर्स के क्लास को कंटिन्यू करते हैं उनको पता होगा इसके बारे में, ठीक है। तो जो भी सही आंसर दे पा रहे हैं, जो कि सुबह 5 बजे वाली क्लास को कंटिन्यू करते हैं, एक बार इन लोगों को बाकी लोगों को दिखाने के लिए क्यों किया गया है ये भी कमेंट कर दें। जो भी सुबह 5 बजे वाली क्लास को कंटिन्यू करता है, जितने भी मेरे साथी हैं, वो लोग एक बार क्यों इस ऐप को लॉन्च किया है ये भी कमेंट करके बता दें। सभी लोग, सही आंसर होगा ऑप्शन सी, स्मार्ट रांची सिटीजन ऐप, ठीक है। क्यों लॉन्च किया गया है? शिकायतें दर्ज करने के लिए। अच्छा, आपको यह भी बता दूं, रांची नगर निगम के द्वारा चैट बॉट सर्विस भी शुरू की गई है शिकायतें दर्ज करने के लिए, ठीक है। तो रांची नगर निगम ये देख सकते हैं, और स्मार्ट रांची सिटीजन ऐप जो है वो लॉन्च किया गया है। अच्छा, रांची नगर निगम की स्थापना कई बार पूछ ली जाती है, 1979 याद रखें, रांची नगर निगम की स्थापना 1979 को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में HEC का कारखाना किस देश के सहयोग से लगाया गया था? HEC यानी हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन। HEC को कारखानों का कारखाना कहते हैं, क्यों? क्योंकि कारखानों के लिए बहुत सारे उपकरण जो है वो इसके द्वारा बनाए जाते हैं, इसीलिए कारखानों का कारखाना HEC को कहा जाता है। HEC यानी हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन कहां पे है? रांची में है, ठीक है। HEC की स्थापना कब की गई थी? HEC की स्थापना 1958 को की गई थी। बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। एक बार आप लोग आंसर कमेंट करके बता दें। HEC, अगर HEC की बात करें, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, चेकोस्लोवाकिया। HEC की स्थापना जो है वो सेकेंड 5-ईयर प्लान, दूसरी पंचवर्षीय योजना में 1958 में चेकोस्लोवाकिया के मदद से किया गया था। रांची में ये है, स्थित है HEC हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, कारखानों का कारखाना इसे कहा जाता है, और प्रेजेंट टाइम पे ये लॉस में चल रही है, ठीक है। प्रेजेंट टाइम पे ये लॉस में चल रही है, ठीक है। अब देखिए यहां से क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है। ये आप HEC देख रहे हैं, हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन देख पा रहे हैं, ठीक है। इसकी स्थापना आप लोग याद रखें 1958 में, किस देश के सहयोग से? चेकोस्लोवाकिया। और आपको याद रखना है कौन से 5-ईयर प्लान में, यानी कौन सी पंचवर्षीय योजना में, सेकेंड 5-ईयर प्लान, दूसरी पंचवर्षीय योजना में इसकी स्थापना जो है वो की गई थी, ठीक है। चलिए, झारखंड के निर्माण के बाद कितने जिलों का निर्माण किया गया है? यानी झारखंड की जब स्थापना की गई थी उस समय के बाद कितने जिलों की स्थापना की गई? चलिए आप ही इसका सही आंसर कमेंट करके बताएंगे। झारखंड में अभी कितने जिले हैं? 24 जिले हैं। झारखंड की जब स्थापना की गई थी कब? नवंबर 2000 को। उस समय झारखंड में 18 जिले थे। 15 नवंबर 2000 को झारखंड में 18 जिले थे, अभी झारखंड में 24 जिले हैं। तो सभी लोग इसका सही आंसर कमेंट करके बता पाएंगे क्या होगा सही आंसर। एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 6 जिले। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। लातेहार जिले की अगर हम लोग बात करें तो 4 अप्रैल 2001, ठीक है, नहीं देख पा रहे हैं, कोई नहीं। क्या आप लोग अब देख पा रहे हैं? आई होप बेटर होगा, ठीक है, देख पा रहे हैं सभी लोग, कलर थोड़ा चेंज कर दिए, ठीक है। तो लातेहार जिले की बात करेंगे 4 अप्रैल 2001, जामतोड़ा जिले की बात करेंगे 26 अप्रैल 2001, सिमडेगा जिले की बात करें 30 अप्रैल 2001, सरायकेला खरसावां 30 अप्रैल 2001।
खूंटी 12 सितंबर 2007 और रामगढ़ जो है वो 12 सितंबर 2007। ठीक है, 24, 23, 22, 21, 20, 19। ठीक है, झारखंड में पहले से 18 जिले मौजूद थे, बाद में 6 जिलों का निर्माण किया गया। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए झारखंड का 19वां जिला लातेहार, झारखंड का 20वां जिला जामताड़ा, झारखंड का 21वां जिला सिमडेगा, झारखंड का 22वां जिला सरायकेला खरसावा, 23वां खूंटी और झारखंड का अंतिम जिला 24वां जिला या फिर झारखंड का सबसे नया जिला रामगढ़। ठीक है, चलिए, झारखंड का राजकीय पक्षी कौन सा है बताएंगे, स्टेट बर्ड जो है वो झारखंड का कौन सा है राजकीय पक्षी, स्टेट बर्ड क्या होगा सही आंसर, मोर ना सही आंसर, ऑप्शन बी मोर, नहीं सर मोर तो नेशनल बर्ड है, राष्ट्रीय पक्षी है मोर, तो झारखंड का क्या है कोयल, क्या होगा ऑप्शन ए कोयल। अगर हम लोग मोर की बात करें तो मोर हमारा नेशनल बर्ड है, राष्ट्रीय पक्षी मोर है और स्टेट बर्ड झारखंड का राज्य राजकीय पक्षी क्या है कोयल। ठीक है, ऑप्शन ए। ठीक, चलिए, झारखंड के किस जिले से यूरेनियम का भंडार मिला है या फिर झारखंड के किस जिले में यूरेनियम का भंडार है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है बताएंगे, झारखंड के कौन से जिले में यूरेनियम का भंडार, यूरेनियम जो कि एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है, एलिमेंट है। ठीक है, तो इसका भंडार कहां पे है, कहां पे, पूर्वी सिंहभूम जिले में, ऑप्शन ए। अच्छा सर यूरेनियम का भंडार पूर्वी सिंहभूम जिले में है, कहां पे है सर, जादूगोड़ा में, जादूगोड़ा की खान में यूरेनियम पाया जाता है, ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यूरेनियम आप लोग देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का होता है यूरेनियम। ठीक है, चलिए, अच्छा यूरेनियम की माइंस भी आप लोग देख पा रहे हैं, यह है यूरेनियम की माइन और जमीन में जिस तरीके से कोयला निकाला जाता है उसी प्रकार से यूरेनियम भी निकाला जाता है। ठीक है, चलिए, हाल ही में डॉक्टर रामकुमार सिंह को किस यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर नियुक्त किया गया है बताएंगे, डॉक्टर रामकुमार सिंह को किस विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है बताएंगे, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या होगा सही आंसर, अगर हम लोग बात करें डॉक्टर रामकुमार सिंह बीएचयू के ये प्रोफेसर हैं, बीएचयू के, बीएचयू यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और बीबीएमकेयू का इसे जो है बनाया गया है वाइस चांसलर डॉक्टर रामकुमार सिंह, देख पा रहे हैं यह है डॉक्टर रामकुमार सिंह और बीबीएमकेयू यानी विनोद बिहारी महातो कोयलांचल यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर जो है इन्हें बनाया गया है। ठीक है, ठीक है, बीबीएमकेयू कहां पे है, धनबाद में है। ठीक है, चलिए, झारखंड की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ झारखंड, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ झारखंड, झारखंड की सबसे बड़ी नदी या फिर झारखंड की सबसे लंबी नदी, क्या होगा सही आंसर, झारखंड की सबसे बड़ी नदी या फिर झारखंड की सबसे लंबी नदी, क्या होगा, दामोदर, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आप देख पा रहे हैं दामोदर नदी। ठीक है, और दामोदर नदी जो है वो एक बरसाती नदी है, ये भी याद रखें, दामोदर कैसी नदी है, बरसाती नदी है। बरसाती नदी कहने का सेंस क्या है, बरसाती नदी कहने का सेंस है कि बरसात में, बरसात के दिनों में दामोदर नदी आपको लबालब भरी हुई देखने को मिलेगी, लेकिन जैसे ही बरसात पार हो जाएगी दामोदर नदी कुछ इस प्रकार से सूखी जाती है। ठीक है, तो आपको कुछ इस प्रकार से सूखी हुई देखने को मिलेगी दामोदर नदी, दामोदर नदी एक बरसाती नदी है। ठीक है, बरसात के दिनों में लबालब भरी हुई है नजर आएगी, लेकिन बरसात पार होने के बाद ये जो है वो सूख जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, झारखंड विधानसभा का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है बताएंगे, झारखंड विधानसभा का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है,
क्या होगा सही आंसर? अगर हम लोग झारखंड विधानसभा के स्थापना दिवस की बात करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि झारखंड की स्थापना हुई 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर 2000 को झारखंड की स्थापना हुई और 15 नवंबर को झारखंड की स्थापना दिवस मनाते हैं हम लोग। इसके एक सप्ताह बाद, 7 दिनों के बाद, 22 नवंबर 2000 को झारखंड विधानसभा की स्थापना की गई और हम लोग झारखंड विधानसभा का स्थापना दिवस 22 नवंबर को मनाते हैं। ऑप्शन की अगर बात करें कहां पे है 22 नवंबर, ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये तो हमारा झारखंड का नया विधानसभा है, ये झारखंड के निर्माण के समय ऐसा नहीं था। ठीक है, ये नया विधानसभा है, इसका उद्घाटन 2019 में हुआ है। ठीक है, चलिए, झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किनके द्वारा किया जाता है बताएंगे? झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किनके द्वारा होती है? झारखंड हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनको किनके द्वारा अपॉइंट किया जाता है बताएंगे? क्या होगा? राष्ट्रपति के द्वारा। देखिए दो चीजें हैं, समझिए। अगर आपको आपसे पूछा जाए कि चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड हाई कोर्ट के जो हैं उन्हें किसके द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, तो प्रेसिडेंट के द्वारा। लेकिन अगर हम लोग ओथ की बात करें, शपथ की बात करें, शपथ कौन दिलाएगा इन्हें, तो इन्हें शपथ दिलाएंगे झारखंड के गवर्नर। नियुक्ति होगी प्रेसिडेंट के द्वारा, लेकिन गवर्नर इन्हें शपथ दिलाएंगे। ठीक है, चलिए, झारखंड का प्रशासनिक मुख्यालय कहां है? झारखंड का एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर कहां पे है बताएंगे? झारखंड का एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर कहां पे है, प्रशासनिक मुख्यालय कहां पे है, क्या होगा सही आंसर? अगर हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर की बात करें, प्रशासनिक मुख्यालय की बात करें, सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा इसका रांची। आप सभी को पता होगा, हम लोग बात करें झारखंड सचिवालय की, रांची में है। झारखंड विधानसभा रांची में है। झारखंड हाईकोर्ट रांची में है। प्रेसिडेंट हाउस, सॉरी गवर्नर हाउस रांची में है। सीएम हाउस रांची में है। ठीक है, कैबिनेट जो है वो रांची में है। सभी मिनिस्ट्री के ऑफिस रांची में है। तो झारखंड का जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे है? रांची में। ठीक है, चलिए, यह है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। सांझ ढले गगन तले, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? इस पुस्तक के लेखक कौन है? सांझ ढले गगन तले, इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है? क्या होगा इसका सही आंसर? बलबीर दत्त, रीता गुप्ता, रंजन कुमार, रश्मि शर्मा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर देंगे। अगर हम लोग इसके सही आंसर की बात करें, इसका सही आंसर हो जाएगा रीता गुप्ता, ऑप्शन बी। ये आप देख पा रहे हैं पुस्तक सांझ ढले गगन तले, और इस पुस्तक के नीचे आप इसके राइटर का भी नाम देख पा रहे हैं, रीता गुप्ता। तो आपको ये पुस्तक भी याद रखना है और इस पुस्तक के राइटर का नाम भी आप लोगों को याद रखना है, रीता गुप्ता इस पुस्तक के लेखक है। ठीक है, चलिए, तो अब सभी लोग कमेंट करके बताएं कि आपका स्कोर क्या रहा है, 25 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, एक बार जल्दी से कमेंट कर दें। चलिए सभी लोग कमेंट करेंगे 25 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और अगर आपको झारखंड जीके के सभी क्वेश्चन इस तरीके से आसानी से करने हैं और डिटेल में करने हैं, तो रोजाना रात को 8 बजे मेरे साथ इस क्लास में जुड़ना ना भूलें। ठीक है, चलिए, तो आई होप सो आज का ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा, कुछ नया जो है आज के इस क्लास में आप लोग जरूर सीखे होंगे। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, और हाँ, कल सुबह 9 बजे हिंदी का क्लास होगा, हिंदी क्लास में जरूर आए। ठीक है, चलिए, तो फिलहाल आज के इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। टेक केयर, बाय बाय।